बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। म्यूट कर लो जो भी है, पलक म्यूट कर लो। जब आपको कोई डाउट हो कुछ हो तो आप ऑन कर लिया करो, वैसे म्यूट रखो सब लोग। चलो अभी कुछ बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं, हो जाने दो सबको।
चलो बेटा सबको नोट्स मिल गया था, बताओ? यस सर। यस सर। जितने लोगों ग्रुप में सबको नोट्स मिल गया, किसी को बाकी yes, है? सर। जिनको ना मिला हो आप मैसेज करके नोट्स ले लेना। मेरे को लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरे को मैसेज करा है सबको नोट्स मिल गया होगा, है ना? यस सर। जिसने मैसेज नहीं करा उनको नहीं मिला होगा, बाकी सारे लोगों को मिल गया है। तो चलो कल का 5 मिनट शुरू में रिवाइज करते हैं, और मैंने बोला था आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना है। तो सबको याद है इंग्यूनल हर्निया किसको बोलते हैं? ख्याति बताओ। यस सर। कब बोलते बेटा इंग्यूनल हर्निया कब बोलते? यस सर। जब इंग्यूनल कैनल बराबर क्लोज नहीं होता और जब स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट एंटर हो जाता है तब। अगर दो टेस्टिस फ्यूज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब दो टेस्टिस फ्यूज हो जाता है तो बताओ। सिनोसिडिज्म। अभी भी कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, बहुत लेट तक ऐड होता है बच्चा लोग। 10 मिनट हो गए अभी तक ऐड हो रहे हैं सब, बताओ। चलो कोई और बताओ, अब कौन बताएगा? पलक। यस सर। बेटा डिसेंड नहीं कर पाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या सर? टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं कर पाता है, मान लो कि अब्डोमेन में नहीं आ पाया, डिसेंड नहीं हो पाया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? If testis fail to descend, then that condition is called as अब बताएगा कौन है? देवराज तुम बताओ। एंड्रिया तुम बताओ। क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म मतलब सब लोगों ने रिवीजन नहीं करा है। गलत बात है बेटा, जब मैं बोलता हूँ कि रिवीजन करके आओ मतलब कर लिया करो आपके फायदे के लिए, नहीं करोगे तो आप ही को दिक्कत होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पूछना नाम जिससे लूंगा वो बताएगा। गौरी बेटा ये बताओ टेस्टिस स्क्रॉटम में क्यों आता है? क्या रीजन है कि टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाता है ये बताओ। टेम्परेचर लो चाहिए होता है। एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर लो चाहिए होता है? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला बताएगा कौन अभी? जस पांड्या ये बताओ बेटा, जो टेस्टिस है वह एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होता है एक कॉर्ड के थ्रू, उस कॉर्ड का नाम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, उस कॉर्ड का नाम क्या है बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। चलो ये भी बता दो स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बिग मसल्स, क्री मास्टर सेल। वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल सही। बच्चे बहुत लेट तक ऐड होते हैं क्लास में आपके, अभी सबको देखो बेटा 12-15 की आपकी क्लासेस होती है ना, सब लोग ट्राई करो कम से कम 12-20 तक सब लोग आ जाओ, 12-20 तक सब लोग आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि देखो बीच बीच में ऐड करने में ना डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सब लोग ये ट्राई करो कि कम से कम 12-20 तक तो वहीं जाओ, बहुत मैक्सिमम होता है तो 12-28, क्योंकि 5-8 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें सब लोग थोड़ा हो सकता है किसी का इंटरनेट थोड़ा ये होता है, ये सब प्रॉब्लम होती है, फिर भी ट्राई करो कि 12-22-12-25 भी ले लो, लेकिन तब तक आ जाओ सब लोग।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभी भी ऐड हो रहे बच्चे। एंड्रिया बताओ, स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो मसल्स होता है उसका नाम क्या है बेटा? ट्रिमेस्टर मसल्स। वेरी गुड। और जो स्क्रोटल का मसल है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक के मसल को स्क्रोटल सैक के मसल को क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। हाँ, डार्टोस मसल। बिल्कुल सही बात है। चलो अब एक और क्वेश्चन, कर्तव्य है क्लास में आज या नहीं है? यस सर। बताओ बेटा कर्तव्य, वीडियो देख लिया है या टाइम मिला नहीं मिला ये बताओ। सर वो कल का बाकी है, परसों का देख लिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तब रहने दो, तब दूसरे बच्चे से पूछते हैं किसी से। वीडियो देख लेना आप जाके, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ, जिनका नाम लू वो बताएंगे, ठीक है? देखो ये रिवीजन होता है बेटा, कोई बात नहीं, गलती भी होगा ना तो कोई इशू नहीं है। आप गलत आंसर करोगे तो ऐसा नहीं कि डांट पड़ेगी, बस एक ऐसा है कि आप पढ़ गया हो, बस इतना ही है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? खुशी बॉन्डे बताओ। खुशी, जो स्क्रॉटम है वो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? तीर्थ आप बताओ बेटा, स्क्रॉटम टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? संतोषी आप बताओ, स्क्रॉटम टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? मैंने कल बताया था दो तरीके से करता है। कौन बताएगा क्लास में बताओ? रिद्धि। यस सर। सर वो पहले स्वेट ग्लैंड से कूलिंग इफेक्ट देता है ताकि टेम्परेचर हीट लॉस कम हो, और फिर डार्टोस मसल्स और क्रिमेस्टर मसल्स से बैक्टीरिया कम कर देता है। ठीक है, समझ गया। और क्या है? चलो इसी तरह मेरा कहने का मतलब बस इतना होता है बेटा कि सब लोग देखो, आप पढ़ाई करके आओगे ना, कोई डाउट नहीं होगा आपको। पढ़ोगे नहीं तो चीजें आपके लिए नहीं होती जाएंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो सब लोग थोड़ा पढ़ाई करो। चलो अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जहां से देखना था। तो चलो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले सबको स्क्रीन दिख रहा है ये बताओ। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको बताओ? सर लोड हो रहा है। लोड हो रहा है सर। ओके ओके, एक मिनट। अभी दिख रहा है सबको या नहीं? यस सर। चलो स्क्रीन सबको दिख रहा है तो शुरू करते हैं। कल जो मैंने बताया था वहां से हल्का रिवीजन पहले करूंगा मैं, उस रिवीजन के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कल बताया था टेस्टिस को तीन टिश्यू कवर करके रखता है। कौन कौन कवर करके रखता है बेटा ये बताओ? टेस्टिस को कौन कौन कवर करता है? सबसे अपर लेयर इज कौन सा? ट्यूनिक। कौन सा? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सा है? ध्रुव बेटा, ध्रुव। यस सर। बेटा टाइम पे आया करो लेक्चर में, देखो टाइम कितना। हाँ सर, मैंने मैसेज ही नहीं देखा एक्चुअली। अच्छा, इसके वरना तो टाइम पे। हाँ सॉरी सर। हाँ चलो ठीक है। आप देखो बेटा, तीन आप देख रहे हो, तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग था जहां हमने कल लास्ट खत्म किया था। ट्यूनिका वजाइनलिस आउटर मोस्ट, ट्यूनिका एल्बिजिना मिडल कोट, और ट्यूनिका वैस्कुलेसा क्या था? इनर मोस्ट कोट। अब फिर से बता दो जल्दी, आपने कल पढ़ा था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल को किसने लाइन करके रखा है तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ। ट्यूनिका वैस्कुलेसा। वेरी गुड, ट्यूनिका वैस्कुलेसा जो सबसे अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो ट्यूनिका वजाइनलिस है उसके दो लेयर खुद होते हैं। कौन दो लेयर होते हैं बेटा? एक पैराइटल और दूसरा पैराइटल अंदर होगा या विस्ट्रल अंदर होगा? जल्दी बताओ। विस्ट्रल अंदर होगा। विस्ट्रल अंदर होगा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल बताया था, वो बोला था यही से क्वेश्चन बनता है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुमिनिया।
यस सर। है ना, ट्यूनिकर एल्बिजिनिया का दो काम आपको मैंने बताया था, क्या दो काम था बेटा बता दो कोई? एक वर्टिकल बनाएगा मीडियास्टिनम जहां पर रेटेटेस्टिस, हाँ, और दूसरा, दूसरा कौन बताएगा जल्दी बोल दो जिसको भी याद है। ट्यूनिका एल्बिजिनिया का दो काम हमने कल देखा था, एक तो हमने देखा था कि ट्यूनिका एल्बिजिनिया का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद एक वो वर्टिकल सेप्टम बनाता है, उस वर्टिकल सेप्टम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मीडियास्टिनम। उस वर्टिकल सेप्टम को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ट्यूनिका एल्बिजिनिया ही क्या होता है आपका, ट्यूनिका एल्बिजिनिया ही फोल्ड कर जाता है और हमारे टेस्टिस में एक आपका सेप्टम बनाता है, दैट सेप्टम इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टा, टेस्टिकुलर सेप्टम, है ना। और वह टेस्टिकुलर सेप्टम हमारे टेस्टिस को कितने कंपार्टमेंट में बांट देता है जल्दी जल्दी बताओ? 250 कंपार्टमेंट में क्या करता है? डिवाइड कर देता है, है ना, क्लियर है सबको? यस सर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा था आगे कि जो आपका 250 कंपार्टमेंट है वो सारे कंपार्टमेंट को क्या नाम देते थे बेटा अपन जल्दी बताओ? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वेरी गुड। उसके बाद अगला बताओ, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिफेरेस्टिब्यूल होंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्या बात कर रहे थे हमने कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है बेटा? सेमिफेरेस्टिब्यूल्स में ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेमिफेरेस्टिब्यूल हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है या सेमिफेरेस्टिब्यूल स्ट्रेट लाइन है, कैसा है? कवर किया था कल कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो कैसे आपका जो सेप्टम बनता है कौन बनाता है? ट्यूनिका एल्बिजिनिया, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। कौन बनाता है बेटा चलो तो अब आप सेमिफेरस ट्यूबुल तक पहुंच गए थे। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी वो भी आपको याद होना चाहिए कि सेमिफेरस ट्यूबुल के अगर एक सेक्शन को हम कट करेंगे, सारी कल की बातें हैं इसलिए मैं लिख के नहीं बता रहा, वर्बल बोल रहा हूँ, मतलब कि मैंने कल बात बताई थी कि अगर हम सेमिफेरस ट्यूबुल, ट्यूबुल क्या है आपका, एक देखो ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा है, लंबा है, है ना। अगर इस ट्यूबुल को हम एक सेक्शन को कट करें, ये देखो ये मान लो आपका ऐसा ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसको हमने कट किया तो कट करेंगे तो कैसा सेक्शन बाहर निकलेगा बेटा? राउंड निकलेगा ना। उसके बाद हमने सेमिफेरस ट्यूबुल में देखा था कि अंदर से दो टाइप के सेल उसको लाइन करके रहता है, वो सेल कौन कौन है जल्दी से बता दो? तो जर्म सेल और सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, है ना। एक होता है मेल जर्म सेल्स, है ना, जिसको अपन एक और नाम से बुला सकते हैं, क्या बेटा बताओ? स्पर्मेटोगोनिया, है ना। और दूसरा कौन सा सेल होता है बेटा? सर्टोली सेल, है ना, सर्टोली सेल्स का। और दूसरा नाम नर्व सेल, नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल्स, क्लियर है सबको? यस सर। अब इन दोनों में से, इन दोनों सेल में से बेटा स्पर्म कौन बनाएगा ये बताओ? जर्म सेल, जर्म सेल ही, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वही जर्म सेल्स क्या करेगा बेटा? मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा? स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है? यस सर। तो एक ब्रीफ रिकैप में ऐसे हम बोल सकते हैं कि कल का पूरा लेक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे आपको समझना है,
चलो स्क्रीन दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। देखो आप यही स्ट्रक्चर आपका कल जो दिखाया था मैंने, ये देखो ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा जल्दी बताओ, ये बीच बीच में दिख रहा है क्या आपका, ये वाला ये पोर्शन क्या है, ये क्या है जल्दी बताओ ना भाई। ठीक है, और ये सबसे अंदर वाला यही वाला रीजन जो कल मैंने आपको बताया था सारी बातें, कि अंदर वाला रीजन ही आगे जाता है और आगे जाके यहाँ बना दिया क्या आपका, ये वाला पोर्शन क्या है बेटा रेटे मतलब मीडियास्टिनम। ठीक है, उसके बाद ये सेप्टम जो आपको दिख रहा है, ऐसे सारा सेप्टम जो दिख रहा है, इस सेप्टम इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टम। ठीक, बातें हमने कल कर ली, चलो आगे देखते हैं। एक और डायग्राम देखो आप टेस्टिस का, यहाँ इससे और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिकॉइड दिख रहा है सबको, दिख रहा है? देखो स्पर्मेटिकॉइड में आपको रेड कुछ नजर आ रहा है, वो क्या दिखा रहा है, स्पर्मेटिकॉइड से ही क्या क्या पास होता है बेटा आपका ब्लड वेसल्स। सारी बात समझ, देखो इस डायग्राम में आपको बेहतरीन तरीके से क्या दिखेगा, देखो बाहरी लेयर जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, दिस वन इज ट्यूनिका वजाइनलिस। सेकेंड जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज ट्यूनिका एल्विजिना। और आप देख सकते हो क्लियरली इसमें जो मैंने सेकेंड फंक्शन बताया था ट्यूनिका एल्विजिना का, कि ट्यूनिका एल्विजिना करता क्या है बेटा, या फोल्ड होकर क्या बनाता है टेस्टिकुलर, क्या बनाता है जल्दी बताओ सेप्टम। यही बात बोला था ना मैंने, फोल्ड होकर क्या बनाएगा टेस्टिकुलर सेप्टम। देखो तो बना रहा है क्या टेस्टिकुलर सेप्टम, सबको दिख रहा है, ये देखो ना व्हाइट वाला, एक दो तीन चार, दिख रहा है कैसे अंदर फोल्ड होकर टेस्टिकुलर सेप्टम बना रहा है, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ ठीक है, तो टेस्टिकुलर सेप्टम बनाता है और ऐसे ऐसे करके कितने सेप्टम बन जाते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट बना देता है। और हर कंपार्टमेंट ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, दिस ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सेमिनिफेरस टिब्यूल। अरे बात समझ, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल देखो हाईली क्वाइल है, जिसका एंड जाके स्ट्रेट हो जाता है, इसी स्ट्रेट एंड को अपन बोलेंगे, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल ऐसा शुरू में है और बाद में जाके स्ट्रेट हो जाता है। ये देखो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल, सब लोग ध्यान दो बेटा, दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल के शुरू में आप देख रहे हो क्या है, हाईली क्वाइल्ड है, लास्ट में जाके क्या हो जा रहा है बेटा, ये स्ट्रेट हो जा रहा है। जो स्ट्रेट पोर्शन हो जा रहा है ना, इसी स्ट्रेट पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है जल्दी से? नहीं नहीं इसको बोलते हैं अपन बेटा टिब्यूली रेक्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा जल्दी बताओ, टिब्यूली रेक्टाइल। देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल हाईली क्वाइल्ड है, वह जाके एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, मतलब ये मान लो कि हाईली क्वाइल्ड है शुरू में और बाद में जाके स्ट्रेट हो गया, उसी स्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं बेटा, टिब्यूली रेक्टाइल। ये टिब्यूली रेक्टाइल देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे टिब्यूली रेक्टाइल बन जाते हैं, देखो ना दो दो ही बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे बहुत सारा टिब्यूली रेक्टाइल बन जाएगा, उसी में से सारा टिब्यूली रेक्टाइल फ्यूज कर करके तब अगला स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, देखो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस, है ना? और रेटे टेस्टिस किस रीजन में फॉर्मेशन होगा कल बताया था मैंने, जल्दी बताओ। मीडियास्टिनम रीजन में। ठीक है, अब यहां रेटे टेस्टिस देखो, ये यहां पे रेटे टेस्टिस बन गया, यहां पे देखो लिखा भी हुआ रेटे टेस्टिस, यही मीडियास्टिनम है, इसी में रेटे टेस्टिस। यह रेटे टेस्टिस कहां जाके ओपन होता है, देखो बाहर में जो निकला है एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस का हेड है, यह एपिडिडाइमिस का बॉडी है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, एपिडिडाइमिस का टेल, और इस टेल रीजन से ये आपका निकलता है ऊपर में क्या आपका वैक्स डिफरेंस। क्लियर है सबको, ये बात पढ़े हो ना पहले भी, जल्दी बताओ। यस सर। चलो दे दो, सिंपल डायग्राम है, ये सारी बातें देखना है। चलो यहां से हमारा शुरू होता है लेक्चर, तो हम बेटा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सारे बच्चों को बता रहा हूँ, सुनते जाओ, सब समझ जाओगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस, हमारा टॉपिक है, जो लोग नया है पहला लेक्चर कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है बेटा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस। उसमें तीन होते हैं बेटा, पहला होता है ट्यूनिका वजाइनलिस, जो दो लेयर में होता है, पेराइटल एंड वेसल, खत्म। दूसरा होता है बेटा ट्यूनिका एल्विजिनिया, ट्यूनिका एल्विजिनिया दो काम करता है बेटा, पहला काम क्या करता है, या जो पोस्टीरियर साइड में जाता है और पोस्टीरियर साइड में जाके ऐसा करके एक वर्टिकल सेप्टम बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। ठीक है, कल बताया था, याद है सबको, यानी बोलो। यस सर।
दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है, टेस्टिस में हमारे सेप्टम बना देता है, सेप्टम इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेप्टम, क्लियर है। तीसरा जो लेयर होता है बेटा कौन होता है, ट्यूनिका वैस्कुलेशा या इनर मोस्ट वैस्कुलर लेयर होता है, जो किसको लाइन किया होता है जल्दी बताओ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को पूरी तरह से क्या करता है, लाइन करके रखता है। आगे देखो, जो आपका लोब्यूल है, ईच लोब्यूल है 1-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूब्युली रेक्टाइ व्हिच एंटर द मीडियास्टिनम। ये बात अभी बता दिया मैंने कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हर आपका लोब्यूल में सब जाके क्या होगा, ज्वाइन कर करके एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाते जाएगा, उस स्ट्रेट ट्यूब को क्या बोलेंगे बेटा जल्दी बताओ, ट्यूब्युलाई रेक्टाई, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है जो भी बच्चे है क्लास में, कि ट्यूब्युलाई रेक्टाई किसको बोल देंगे जल्दी बताओ, yes. जितने बच्चे सबको समझ में आ रहा है, दूसरे बैच के गोधरा बरोदा जो भी बैच के सब, आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा है सबको, yes, कुछ नहीं है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड है, एक लोब में 1-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और जो 1-3 होंगे ना सारा बार में फ्यूज करके एक स्ट्रेट ट्यूब बना देगा, उसको बोल देंगे अपन क्या बोल देंगे उसको, अपन उसको बोल देंगे ट्यूब्यूली रेक्टाइल, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं रेटेड टेस्टिस। अब देखो ये क्या हुआ, अरे ट्यूब्यूल किस रीजन में चला गया, मीडियास्टिनम में। अभी अगला पहले बता दिया थोड़ी देर पहले, इन मीडियास्टिनम दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। जो रेटे टेस्टिस को कौन लाइन करके रखता है, पहले पढ़ चुके हो आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। रेटे टेस्टिस क्या है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन चैनल, मतलब कि ये रेटे टेस्टिस है, मान लो यहां पे ड्रॉ करते हैं अपन, ये मान लो रेटे टेस्टिस है, तो इसको अंदर से कौन लाइनिंग करके रखता है, कौन सा एपिथेलियम बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्लियर है सबको। अब आगे देखो, एक मिनट, आवाज सबको जा रही है ना, यस, चलो देखो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अगला काम क्या होगा, इन मीडिया स्टेनम दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस फ्यूज टू फॉर्म 10-20 इफरेंट डक्ट्यूल। अब देखो एक बात बता दूं यहां पर, ये बहुत आसान है, इसको पहले एक बार पढ़ लेना दो, फिर मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा सबको, बात समझो आप। कभी कभी आपको क्या टर्म याद रहता है हमेशा, वासा इंफरेंसिया, वासा इंफरेंसिया पूछेगा ना सब बता देगा, इसके जगह पे एक टर्म यूज कर देंगे अपन, क्या कि बोल देंगे इफरेंट डक्ट्यूल, सब कंफ्यूज हो जाएगा, इफरेंट डक्ट्यूल तो हमने पढ़ा ही नहीं बेटा, वासा इंफरेंसिया का ही तीन नाम है, उसी को आप इफरेंट डक्ट्यूल बोल सकते हो, उसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डक्ट्यूली इफरेंटस, आ रही बात समझ, तो वासा इंफरेंसिया ना लिख के अगर लिख दे डक्ट्यूली इफरेंटस एक ही बात है, लिख दे इफरेंट डक्ट्यूल एक ही बात है, ठीक है। तो रेटेड टेस्टिस फ्यूज टू फॉर्म 10-20 इफरेंट डक्ट्यूल कॉल्ड एज वासा इंफरेंसिया और डक्ट्यूली इफरेंटस। वासा इंफरेंसिया कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ आउट ऑफ द टेस्टिस। अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अगले 5 मिनट में बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, सुनते जाओ। वासा इंफरेंसिया क्या करता है बेटा, कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ आउट ऑफ द टेस्टिस। एक बार पढ़ता हूँ फिर मैं अपने से समझाता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो, ट्यूब्यूली रेक्टाई रेटेड टेस्टिस एंड वासा इंफरेंसिया फॉर्म द इंट्रा टेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। अब ये समझने का टाइम आ चुका है कि बात क्या चल रही है, ठीक है। चलो चलो, सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस, हाँ, बच्चे ऐड मतलब इनको बस बताना पड़ेगा कि बेटा लेक्चर का टाइमिंग क्या है।
चलो देखो सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई सबको एक बार समराइज फॉर्म में देखते हैं अपन, ठीक है? सबको क्या देख रहे हैं बेटा, समराइज फॉर्म में देखते हैं कि कैसे कैसे सारा काम होता है, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है बताओ? यस। हाँ नेटवर्क इशू है, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो बेटा जितनी बातें मैंने बताई, ठीक है, सुनते जाओ क्या क्या मैंने अभी तक बता दिया है। वो बहुत सिंपल टर्म्स में अपन देख रहे हैं। हमने देखा कि ये टेस्टिस है, इसकी तीन कवरिंग है, जो पूरा बताया मैंने सबको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बाहर वाला ट्यूनिका कौन सा है जल्दी बताओ, वजाइनलिस। अंदर वाला ट्यूनिका एल्विजुला, उसके नीचे ट्यूनिका वैस्कुलस, ठीक है। चलो उसके बाद हमने बात करना शुरू किया कि ये जो ट्यूनिका एल्विजुला है वो अंदर फोल्ड करता है, और टेस्टिस में कितने बना देता है आपका कंपार्टमेंट जल्दी बताओ, 250 कंपार्टमेंट बना देता है, ठीक है। हर कंपार्टमेंट में क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यही होता है, ठीक है। और कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 3। अब देखो एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, वो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड है वो फ्यूज होके एक स्ट्रेट ट्यूब बना देता है, उस स्ट्रेट ट्यूब को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, ट्यूब्यूली रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूली रेक्टाई, रेक्टाई, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब ट्यूब्यूली रेक्टाई सब फ्यूज होके, जितने ट्यूब्यूली रेक्टाई का फॉर्मेशन हुआ सब फ्यूज होके कौन सा बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं बताओ, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस। सारा रेटेड टेस्टिस फ्यूज होके कहां जाके ओपन हो गए बताओ, आपको देखो यह टेस्टिस है, सब लोग समझना, एक टेस्टिस अपन बनाएंगे अभी, ठीक है। उसमें हमें क्या देखना है, हर स्ट्रक्चर को अपन दिखाएंगे एक एक करके, एक मिनट के अंदर सारा खत्म करना है हमें। चलो सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ अब देखो हमने पढ़ा कि टेस्टिस में सेप्टा होते हैं, तो सेप्टा पे ड्रॉ करते हैं जरा,
ठीक है, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, सेप्टा एक, ये सारे सेप्टा हो गए इसके अंदर। सेप्टा दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो ये सारे सेप्टा में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल है बेटा, तीन तीन, एक से तीन हो सकते हैं। मैं एक किसी का बना के दिखा रहा हूँ, चलो यहाँ बना रहा हूँ मैं, देखो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या हुआ, अंत में मर्ज करके एक स्ट्रेट ट्यूब बना लिया, मिलके दोनों तीन जो भी होंगे ना मिलके एक स्टेट ट्यूब बना लिया। दिस स्टेट ट्यूब इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको बताओ, क्या बोलेंगे इसको, ट्यूब्यूल रेक्टा। देखो इसमें भी इसी तरह आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा इसके अंदर, यहाँ पे भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा इसमें, इसमें ये सभी फ्यूज करके क्या बनाएगा बेटा, सब लास्ट में बना लेगा क्या आपका, ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब ये सारे ट्यूब्यूली रेक्टाई जो ए वाला है, इसमें का है, इसमें का है, सारा ट्यूब्यूली रेक्टाई फ्यूज हो गया और तब एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको क्या बोला हमने, रेटेटेस्टिस। अब देखो रेटेटेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, इसमें समझना क्या है हमें कि अभी तक जो पार्ट था रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस कहाँ ओपन होगा, अगला स्ट्रक्चर कौन सा है जहाँ पे ओपन होगा, ये कहाँ ओपन होगा, वैसिफ्रेंसिया। तो देखो वैसिफ्रेंसिया ऐसा जगह है जिसका कुछ पार्ट, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, वैसिफ्रेंसिया ऐसा जगह है जिसका कुछ पार्ट टेस्टिस के अंदर होता है और कुछ पार्ट कहाँ होता है, जल्दी बताओ, टेस्टिस के बाहर, ठीक है। वैसिफ्रेंसिया का कुछ पार्ट टेस्टिस के अंदर होता है और कुछ पार्ट कहाँ होता है आपका, टेस्टिस के बाहर होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ सब लोग। यस सर। हाँ तो वैसिफ्रेंसिया है ना, वो रेटेटेस्टिस से स्पर्म लेगा और स्पर्म को कहाँ दे देगा, किसको दे देगा, एपिडिडाइमिस को। सीक्वेंस सब पहले सब लोग बोलो, सीक्वेंस पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा ट्यूब्यूली रेक्टाई, तीसरा रेटेटेस्टिस, चौथा वैसिफ्रेंसिया। यहां तक समझो, ये बात समझो, यहां तक टेस्टिस के अंदर था। अब वैसिफ्रेंसिया का कुछ पार्ट बाहर होता है जो स्पर्म और टेस्टिस के बाहर भेज रहा है, बाहर के कहां से शुरुआत होता है, पहला कौन होगा, कहां चला जाएगा, यूरेथ्रा में। ये सीक्वेंस याद रहेगा सबको, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि भाई एक बड़ा सा हम टेस्टिस लेते हैं, इस टेस्टिस में हमने सब कुछ दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या था आपका, आपको अच्छे से समझ में आए, एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल है, इसके जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, एक फिर दूसरा, ऐसे करके तीन होंगे, सब बाद में एक स्ट्रेट ट्यूब मिलकर बना लेता है, इस स्ट्रेट ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। यह ट्यूब्यूली रेक्टाई जाके मीडिया स्टीनम रीजन में ओपन होता है, यह मीडिया स्टीनम रीजन है, सब में का जो भी होगा ना, इसमें का भी, ये सब जाके यहाँ ओपन होगा, और जैसे ही सारा ट्यूब्यूली रेक्टाई एक मीडिया स्टीनम रीजन में ओपन होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस कहाँ ओपन होगा, यहाँ से बहुत सारा ट्यूब निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एज वायस, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिया। और ये वायस डिफरेंशिया कहाँ जाकर ओपन होगा बेटा, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस के हेड में ओपन होगा, ये हेड में निकलेगा, फिर टेल में गया, फिर यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, हेड बॉडी टेल, और टेल से फिर यहीं से क्या निकल जाता है ऊपर की तरफ, जल्दी बताओ, वायस डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। यस सर। इसको समझाना, इतना इतना इस पे दिमाग देना ही नहीं चाहिए जितना मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस लायक टॉपिक नहीं है, इतना समझाया जाए। चलो अब आगे देखो, ये सब बता दिया मैंने, क्यों बोला था मैंने ट्यूब्यूली रेक्टाई रेटेटेस्टिस एंड वैसिफ्रेंसिया फ्रॉम द इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल नर्व। इंट्रा टेस्टिकुलर क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस के अंदर, है ना। और जैसे ही देखो कि वैसिफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर निकल गया और बाहर निकल के स्पर्म किसको दे दिया, एपिडिडाइमिस को, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वैसिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, उन सबको क्या बोलेंगे, इनको बोला इंट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। क्लियर है सबको। तो देखो कोई पूछे इंट्रा टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर में क्या क्या मिल रहा है, तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, है ना,
ठीक है, और वैस डिफरेंशियल, वैस डिफरेंशियल दोनों में आता है यार, रखने का बोलोगे सर, दोनों में बोलो बिल्कुल, इंट्रा में भी आएगा एक्स्ट्रा में भी आएगा, क्योंकि वैस डिफरेंशियल का कुछ पार्ट अंदर में होता है टेस्टिस के और कुछ पार्ट टेस्टिस के बाहर होता है, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। तो वैस डिफरेंशियल दोनों में आएगा, इंट्रा में भी और एक्स्ट्रा में भी। देखो एक्स्ट्रा में क्या है, द एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स व्हिच कंडक्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर की तरफ ले देता है। It starts with duct known as vas deferentia. देखो ये भी कहाँ से शुरुआत हुआ? Vas deferentia से. From each testis, 10 to 12 vas deferentia confluent. मतलब एक साथ मिल जाता है. Confluent मतलब 10 से 12 ट्यूब अलग अलग है. देखो ये सब 10 से 12 अलग 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 है. सब एक जगह ऐसे करके मिल गया. एक जगह जाके ओपन हो गया. एक जगह पे. इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? Epididymis. या epididymis का दूसरा नाम क्या है? Ductus epididymis. This epididymis is responsible for. यही क्वेश्चन मैंने पूछा था. फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए, कि फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होता है, क्या बताओगे जल्दी बताओ, सिर्फ कहाँ होता है फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म? एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस स्टिपल्स इन ईच टेस्टिस इज अबाउट 750 टू 1000। बोलोगे सर 1000 कैसे हो सकता है? कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जहाँ पे टेस्टिस का नंबर थोड़ा ज्यादा, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल का नंबर ज्यादा हो, नहीं तो मैक्सिमम जो केसेस में देखने को मिलता है मैक्सिमम कितना दिखाई देता है आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल? 750, क्योंकि देखो ना अप्रोक्स कितने कंपार्टमेंट है? 250, और एक कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबल मैक्सिमम हो सकते हैं? 3, तो नंबर कितना आएगा अप्रोक्स? 750, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, ये बताओ हिस्टोलॉजी क्या होता है, पहले जल्दी से स्टडी ऑफ टिश्यू, एग्जैक्टली। अब अपन क्या देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर कौन से टिश्यू आते हैं, तो बता ही दिया था आपको, तो उसी बात को ये डिटेल में देखना। देखो आउटर सरफेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ट्यूनिका प्रोप्रिया। देखो ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसके बाहर में भी एक लेयर होता है, बाहर वाला लेयर को क्या बोलेंगे बेटा जल्दी बताओ, नाम दिख रहा है सबको? ट्यूनिका प्रोप्रिया, है ना। इनर सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ, और जो अंदर वाला है ना ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम लेयर। ये किसका है? जर्माइनल एपिथेलियम। सबको ये बात याद है, एपिथेलियम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब भी मैं बोलता हूँ कि एपिथेलियम लेयर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स है, वहां पे जो एक लाइनिंग बना के वहां पे बैठा हुआ है। तो बाहर वाला लेयर कौन सा है जल्दी बताओ? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अंदर वाले कौन सा बेटा जल्दी बताओ? जर्माइनल एपिथेलियम। अब इसी जर्माइनल एपिथेलियम में दो टाइप के सेल होते हैं, जो आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। जर्माइनल एपिथेलियम है टू टाइप्स ऑफ सेल, पहला क्यूबॉइडल शेप का होगा और दूसरा किस शेप का होगा बेटा? कॉलमनार। ये बात तो समझता सब ना कि क्यूबॉइडल किसको बोलते हैं? कॉलमनार। क्यूबॉइडल मतलब ऐसे सेल होंगे इस टाइप के, और कॉलमनार मतलब कैसा होता है बेटा? ऐसे ऐसे सेल है कि नहीं, जल्दी बताओ। या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और ये जब स्पर्म बन जाता है तो क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में जो जगह होता है ना उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन? सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो कैविटी होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन, है ना। इस ल्यूमन में स्पर्म बना, यहाँ पे सेल से इसमें स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद इस ल्यूमन में पहुंच गया, ठीक है। दूसरा सेल कौन सा बेटा? कॉलमनार सेल्स। इन बिटवीन जर्म सेल्स सम कॉलमनार सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड सर्टोरी सेल्स, ठीक है। और सर्टोरी सेल्स का मेन काम आपको बताया था, नर्स सेल इसका नाम है, मतलब ये क्या करेगा? जो स्पर्म बनेगा और जब स्पर्म डेवलप होता रहेगा उस स्पर्म को क्या देगा बेटा? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज सबस्टेंटिकुलर और नर्स सेल। तो अलग अलग नाम याद रखना जरूरी है। देखो बेहतरीन डायग्राम है, इसमें सब दिख रहा है कि क्या क्या होता है। ये देखो हमने क्या किया बेटा, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। देखो यहाँ पे ये आपको बाहर वाला दिख रहा है, दैट इज इसको क्या बोला था? व्हाइट फाइब्रस है, इसका नाम क्या है? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अंदर वाला जो इसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, इस जर्माइनल एपिथेलियम में दो टाइप के सेल आपको दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, दिस वन, ध्यान दो, यह वाला जो दिख रहा है सब, दिस वन ये कौन से सेल है बेटा? देखो तो क्यूबॉइडल सेल, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको?
क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया, दो ही टाइप के तो सेल होते हैं, एक क्यूबॉइडल दूसरा कॉलमनर। जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको क्या बोलते हैं बेटा, जर्म सेल, है ना। और इसके बीच बीच में देखो आप, या येलो कलर का या ब्राउन कलर का बोल सकते हो कुछ सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनर सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, है ना। देखो लिखा भी हुआ है, ये ग्रीन वाला को क्या लिखा हुआ देखो तो ऊपर में, स्पर्मेटोगोनियम, और येलो वाला को क्या लिखा है देखो तो क्या लिखा है बताओ, सर्टोली सेल्स, लिखा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। बस, और यही जो आपका देखो, ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है या जर्म सेल्स है, इसी में मियोसिस होगा, स्पर्म बनेगा, और जब स्पर्म बन गया तो देखो स्पर्म कहाँ आके रिलीज हो गया, कहाँ पे, ल्यूमन में, इसके खाली जगह में। ल्यूमन समझते हो ना किसको बोलते हैं, एक सेल है, एक सेल में जो खाली जगह होता है ना, कैविटी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमन बोलते हैं। सारा स्पर्म बनेगा कहाँ पे, मेल जर्म सेल्स में, और बनने के बाद तुरंत कहाँ पे आके डिपोजिट हो जाएगा बेटा, कहाँ पे आ जाएगा जल्दी बताओ, ल्यूमन में। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, देखो ये कितना बेहतरीन, आपने तो पढ़ भी लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से लिया हुआ, पहले क्या कौन होता है, स्पर्मेटोगोनिया मतलब क्या, मेल जर्म सेल्स, इसमें जब आपका माइटोसिस होता है तो क्या बनता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो क्या बनता है बेटा, स्पर्मेटिड। और जब स्पर्मेटिड पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्म। तुम लोगों ने पढ़ लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा ना कि पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसमें माइटोसिस में उसका नंबर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस टू कंप्लीट होता है तब बन जाता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, तब बन जाता है मैच्योर स्पर्म। पढ़ा है कि नहीं ये चीज, जल्दी बताओ। आगे बच्चों ने पढ़ा है, सर ने पढ़ा था, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन देखने का मतलब था कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सिंपल सी बात है सर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर वाला लाइनिंग को अपन क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। सर उसमें दो टाइप के सेल होते हैं सर, एक सेल होता है क्यूबॉइडल सेल जिसको बोलते हैं जर्म सेल्स, और एक उसके बीच बीच में सर कौन से सेल होते हैं, कॉलमनार सेल जिसको बोलते हैं अपन सर्टोली सेल्स। सर ये जर्म सेल्स है इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, सिंगुलर होगा तो स्पर्मेटोगोनियम, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है सर, यही स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करता है और बना देता है स्पर्म, और सर जो बगल बगल में सर्टोली सेल्स बीच में जो प्रेजेंट है यह डेवलपिंग स्पर्म को क्या देगा, न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इस डायग्राम से अपन सब कुछ बता सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं ऐसा। इससे पहले जो बताया वो भी अब देख लेते हैं। हमने बताया कि सर सेमिनिफेरस ट्यूबुल हाइली कॉइल्ड होता है सर, वह सारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब बना लेता है, दैट इज कॉल्ड क्या, टिब्यूली रेक्टाई। सर टिब्यूली रेक्टाई सारा मिलकर एक और ट्यूब बना लेता है, व्हाइट ट्यूब, दैट इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस सर जाके कहां ओपन होता है, सर इतना पार्ट जो था ना टेस्टिस के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर क्या, जल्दी बताओ, इंट्रा टेस्टिकुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद वैसा इंफ्लुएंसिया अपना किसको देता है, स्पर्म, स्पर्म कैरी करके ले जा रहा हूँ, किसको देगा, एपिडिडाइमिस को, एपिडिडाइमिस किसको देगा बेटा, वैसा इंफ्लुएंसिया। वैसा इंफ्लुएंसिया तक समझो, अभी हम स्पर्म कहाँ पहुंचा दिए, वैसा इंफ्लुएंसिया तक। सबको क्लियर है, जल्दी बताओ अभी तक। Yes, चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। एक फंक्शन तो हमारा कॉमन सा फंक्शन है जो सब बता रहा है उस समय से, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट न्यूट्रिशन, ये वाला, एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ये तो बात आप समझ। दूसरा देखो और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम करता है कौन, सर्टोली सेल्स। दूसरा काम, टू रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय रिलीजिंग इनहिबिन टू चेक FSH ओवर एक्टिविटी। ठीक है बताओ, FSH कौन सा हार्मोन है बेटा, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अगर मेल में इसका ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो इसमें किसका कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जल्दी बताओ, फीमेल का, है ना। इसीलिए यह क्या करता है, सर्टोली सेल्स एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उस हार्मोन का नाम क्या बेटा, इनहिबिन, है ना। यह हार्मोन क्या करता है, FSH को क्या बोलता है कि भाई मेल में तुमको, मान लो FSH को मेल में जरूरत कितना है, ध्यान दो समझो बात को, मेल में FSH का जरूरत होता है, लेकिन मान लेते हैं कितना जरूरत है, 20 ग्राम का, समझाने के लिए बोलो, हार्मोन ग्राम में नहीं होता है, माइक्रो बहुत कम हार्मोन निकलता है, समझाने के लिए बोलो, FSH
मान लेते हैं मेल में जरूरत कितना है 20 ग्राम, जैसे ही 20 ग्राम बनेगा ना तुरंत सर्टोली सेल्स इनहिबिन को रिलीज करेगा और एफएस को क्या ऑर्डर देगा, इनहिबिन बोलेगा भाई बस स्टॉप, अब इससे ज्यादा तुमको क्या हार्मोन नहीं निकालना है, इससे आगे तुमको काम नहीं करना, इसी पे रुक जाओ, हमें तुम्हारी अभी इतनी जरूरत है। आई बात समझ, इनहिबिन क्या करेगा जल्दी बताओ। यस सर। सबको बेटा। यस सर। एक चीज बताओ, एक चीज जरा बात करने दो मुझे नए बच्चों से, जो भी नए बच्चे उनको समझ में आ रहा है सब कुछ, ये बताओ नए बच्चे आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सृष्टि और कौन कौन है भाई, गौरी आपको? यस सर। यश पांडे आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कुशल सर आपको बेटा? यस सर। नुपुर यूसुफ? यस सर। ज्योति? यस सर। हाँ बेटा, जिसको ना समझ में पूछना, देखो टॉपिक इतना आसान है ना, मैं तो एफर्ट ज्यादा डाल रहा हूँ मुझे लगता है इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है ही। मैंने जो पढ़ा प्रोडक्टिव कवरिंग, तीन कवरिंग होता है, उसके बाद पढ़ाया कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है, सीधी बात है स्पर्म बनता कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कनेक्ट होकर क्या स्ट्रक्चर बना दिया, ट्यूबुल रिट्रैक्ट, स्पर्म वहां पहुंच गया, ट्यूबुल रिट्रैक्ट ज्वाइन होकर क्या बना दिया, रेटेड टेस्टिस, स्पर्म वहां पहुंचा, रेटेड टेस्टिस कहां जाकर ओपन हुआ, मैस डिफरेंशिया में, स्पर्म मैस डिफरेंशिया तक पहुंच गया, मैस डिफरेंशिया कहां जाकर ओपन हुआ, एपिडिडाइमिस में, तो एपिडाइमिस तक स्पर्म पहुंचा, एपिडाइमिस से क्या निकलता है आगे, मैस डिफरेंस, तो स्पर्म वहां पहुंच गया, सिंपल सी बात ये पढ़ा। फिर पढ़ा हमने कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल में दो टाइप के सेल्स होते हैं, अंदर वाला लाइनिंग है एक मेल जर्म सेल्स एक सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स मियोसिस करके स्पर्म बनाता है और सर्टोली सेल्स का फंक्शन देख ही रहे अपन कि मेन काम है न्यूट्रिशन देना, उसके अलावा एक हार्मोन सीक्रेट करेगा उसका नाम है इनहिबिन, और इनहिबिन क्या करता है, एफएसएस को ओवर एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है, ताकि मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप ना हो। तीसरा, टू ऑब्जर्व द पार्ट्स बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। आपने पढ़ा होगा जब स्पर्मेटोजोआ स्पर्म मतलब देखो दो स्ट्रक्चर बनता है, पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि पहले स्पर्मेटिड बनता है, पहले क्या बनता है बेटा, स्पर्मेटिड, उस स्पर्मेटिड में ना कुछ चेंजेस होते हैं तब उसको स्पर्म बोलते हैं, मतलब स्पर्मेटिड में से कुछ कुछ चीजें वो हटाते जाता है अपने बॉडी से स्पर्म, है ना, तब जाकर उसको स्पर्म बोलते हैं। तो जो भी स्पर्म जब डेवलप होगा ना तो अपना जो भी हो डेड पार्ट्स या जो भी निकालते जाएगा वो सबको एब्जॉर्ब भी कौन करेगा, जो भी बेकार पार्ट है जो स्पर्म गिरा रहा है अपने बॉडी में अपने डेवलपमेंट के थ्रू, कौन एब्जॉर्ब करता है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, दे फैगोसाइट द इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स, जो स्पर्म सेल्स मान लो हजारों लाखों स्पर्म सेल्स बनता है उसमें से बहुत सारे स्पर्म सेल्स क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उन सबको भी खा जाता है, मतलब रास्ता क्लियर करते रहता है। अगला यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू रिलीज एंटी म्यूलेरियन फैक्टर, बहुत जगह पे इसका नाम लिखा होगा म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, है ना, टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ म्यूलेरियन डक्ट और ओविडक्ट इन मेल। ये जो म्यूलेरियन फैक्टर है ना, यह सही टाइम पे एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है, अगर यह म्यूलेरियन फैक्टर सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हुआ ना तो मेल में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब का, आ रही बात समझ, तो ये क्या करता है, म्यूलेरियन फैक्टर अगर आता है ना तो वो क्या डेवलप करवाता है, फैलोपियन ट्यूब, तो इसी के अगेंस्ट में सर्टोली सेल्स क्या बनाता है बेटा, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर, ताकि मेल में किसका फॉर्मेशन ना हो, किसका फॉर्मेशन ना हो बताओ, ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसलिए एंटी म्यूलेरियन फैक्टर को भी सीक्रेट करता है ताकि मेल में ओविडक्ट का फॉर्मेशन ना हो। अगला, टू रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये फंक्शन अभी बताता हूं आगे चल के, यह एक क्या एक प्रोटीन का सीक्रेशन करता है उसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नाम ही बता रहा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये किससे जाके बाइंड करेगा बेटा, एंड्रोजन से, और मेन एंड्रोजन कौन है मेन में बेटा, टेस्टोस्टेरोन, है ना, उसी से बाइंड करता है, बताता हूँ क्यों बाइंड करेगा, तो बस अगले तीन मिनट में।
टू फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बोलो सर ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब, एक चीज बताओ आप ध्यान देना, ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब क्या है? स्पर्म जब हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, सबका यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ब्लड टेस्टिस बैरियर इसको समझ लेते सबसे पहले। ब्लड टेस्टिस बैरियर रिस्ट्रिक्ट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन जर्म सेल्स एंड द इम्यून सिस्टम एंड दस प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ स्पर्मेटिक सेल्स बाय आवर इम्यून सिस्टम। दैट इज दिस बैरियर प्रिवेंट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स सरफेस एंटीजेंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्म। देखो जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, एक चीज बताओ, जब भी स्पर्म बन रहा है हमारे बॉडी में, जब एंटर होगा स्पर्म, है ना, स्पर्म को हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में कुछ भी नया बनता है, याद रखो कुछ भी नया बनता है तो हमारा बॉडी उसको कैसे ट्रीट करता है, जल्दी बताओ बेटा, फॉरेन सेल की तरह करेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। आप जानते हो ना, आपके बॉडी में कुछ भी बाहर से आया या आपके बॉडी में कुछ नया सीक्रेट होगा तो आपका बॉडी उसको कैसे ट्रीट करता है बेटा, फॉरेन सेल की तरह करता है कि नहीं, जल्दी बताओ। और अगर वो फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करेगा तो क्या करेगा, तुरंत आपके स्पर्म सेल को किल करना शुरू कर देगा, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब यह एक ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बना देता है, मतलब यह जर्म सेल्स को जो स्पर्मेटोगोनिया है ना उसको हमारे इम्यून सिस्टम से बचा के रहता है, मतलब इम्यून सिस्टम और स्पर्मेटोगोनिया सेल में एक बैरियर बना देता है ताकि दोनों आपस में संपर्क में ना आए। आई बात समझ, सिंपल सी बात यही है, क्या हुआ, या हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के स्पर्म को मार ना दे उससे बचाता है कौन, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर भी कौन बनाता है बेटा, सेमिफेरस सॉरी सर्टोली सेल्स। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। अगला देखो, मैं आपको बताया था कि एबीपी का काम क्या है, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो अभी आप सीखोगे एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन में द टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटेड फ्रॉम लीडिंग सेल्स एंटर द सेमिफेरस ट्यूबुल। अब लीडिंग सेल क्या होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, देखो पहले पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है द रीजंस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेसेस कंटेन ए स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू। आप जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल लेते हो, मान लो सेमिनिफेरस ट्यूबुल लिया आपने, दो तीन हम लेते हैं, ठीक है, जब भी हम टेस्टिस को कट करेंगे तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल एक साथ कट होकर बाहर आएगा, तो मान लेते हैं दो तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऐसे कट होकर बाहर आए। हमने अभी पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में दो टाइप के सेल आपने देखा था, एक कौन सा सेल था बेटा, क्यूबॉइडल सेल, और एक कौन सा सेल था बेटा, कॉलमनार सेल, ये पढ़ा। अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो रीजन है ना, ये सारा रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेस। क्या बोलो, इस रीजन को क्या बोलेंगे, इंटरस्टीशियल स्पेस, मतलब सिंपल सी बात है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर के रीजन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस। और इस स्पेस में क्या क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल और इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू। इस स्पेस में क्या मिलेगा, ब्लड वेसल एंड इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू। अब ध्यान रखो, ग्रुप्स ऑफ पॉलीहेड्रल सेल, मतलब किस टाइप का सेल, किस शेप का है सेल, पॉलीहेड्रल, ठीक है। कुछ इस मतलब जो इंटरस्टीशियल स्पेस है ना, आपका इंटरस्टीशियल स्पेस, इसमें होता है इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आपको कुछ सेल्स मिलेंगे जिसका शेप कैसा होगा, पॉलीहेड्रल, और उस सेल को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, या क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। आई बात समझ, सिंपल सी बात थी कि सर सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो रीजन है ना उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। सर उस स्पेस में ब्लड वेसल मिलता है और इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, उसी इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू में सर कुछ सेल्स मिलते हैं, पॉलीहेड्रल शेप के सेल्स मिलते हैं, उसका नाम क्या है, क्योंकि वो इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट है, क्योंकि वो इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, इसलिए उस सेल का नाम क्या है, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग या लीडिंग सेल्स, जो किस नेचर का होता है, एंडोक्राइन नेचर का होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंडोक्राइन सेल्स ऑफ टेस्टिस किसको बोलते हैं, तो किसको बोलोगे आप, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग या लीडिंग सेल्स को। कोई पूछे एंडोक्राइन सेल्स ऑफ टेस्टिस किसको बोलते हैं तो किसका नाम बताओगे, जल्दी बताओ, लीडिंग सेल्स, है ना। और इसका लोकेशन आपको बता ही दिया, लीडिंग सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। लीडिंग सेल कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस, बता दिया। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेन, यही मेन
लीडिंग सेल्स ये आपका क्या करता है, जो मेन हार्मोन हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जो कौन है आपका टेस्टोस्टेरोन, और सीक्रेट करता है बेटा लीडिंग सेल सीक्रेट करता है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यस सर। द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लीडिंग सेल्स एंटर द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाय डिफ्यूजन अंडर द इफेक्ट ऑफ एवीपी एंड प्रोमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी पूरे पैराग्राफ को मैं अब खुद से समझा रहा हूँ, देखो कितना बेहतरीन सिंपल सी बात है। जब मैं पढ़ा लूंगा ना, टॉपिक खत्म होने का टाइम आएगा, तब देखना मैं इसका समरी करूंगा। समरी आप लिखोगे कितना आसान होता है। अगले बार में समरी बताता हूँ, देखो आप ध्यान दो। ये तो आपने देख लिया सेमिनिफेरस ट्यूबुल, देखो एक हमने टेस्टिस को कट करा तो देखो कितना सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिख रहे हैं, ये भी है ये भी है, लेकिन एक को आपको इसमें जूम करके दिखाया गया ताकि आपको समझ में आए। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में दो टाइप के सेल, पहला जर्म सेल्स, दूसरा क्यूबॉइडल सेल, मतलब ये आपका कौन सा सेल है दूसरा, पहला जर्म सेल, दूसरा नॉट सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स। अब सेमिफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो व्हाइट व्हाइट रीजन पूरा दिख रहा है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, जगह खाली जगह क्या बोलते हैं पर, इंटरस्टीशियल स्पेस, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टीशियल स्पेस। आ रही बात समझ में, जल्दी बताओ। अब इस इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरस्टीशियल कनेक्टिव टिश्यू, और उसी कनेक्टिव टिश्यू में सिंपल सेंस में बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस में सर कुछ पॉलीहेड्रल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पॉलीहेड्रल सेल्स को क्या बोलते हैं, देखो ना बीच बीच में पॉलीहेड्रल सेल्स, इसी सेल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, लेडिक सेल्स। या लेडिक सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो अब बताओ टेस्टोस्टेरोन का सीक्रीशन सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हुआ है या सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर हुआ है, जल्दी बताओ। बाहर हुआ ना बेटा, यहाँ हुआ ना, लीडिंग सेल बाहर है तो टेस्टोस्टेरोन तो बाहर बन रहा है ना, जल्दी बताओ, बोलो। देखो बाहर में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। अब देखो इस टेस्टोस्टेरोन की जरूरत बाहर नहीं है, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, अच्छे से करवाता है, तो टेस्टोस्टेरोन बना बाहर में, लेकिन इसकी जरूरत इसके अंदर बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर है, तो इसको ले जाने वाला कोई तो चाहिए ना, जल्दी बताओ, कोई तो चाहिए ना, बोलो। यस सर। ये पे काम आएगा कौन बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यस सर। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, नाम ही बता रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। बोलोगे सर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, बेटा टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ही है, ठीक है। एंड्रोजन को हम मेल में टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं क्योंकि एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उसी में तो सबसे मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। देखो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन किया लेकिन बाहर किया, इसको अंदर पहुंचा रहा है। तो बस मान लेते हैं एक टेस्टोस्टेरोन दिखा रहा हूं, मान लो एक टेस्टोस्टेरोन है ये वाला, अब इसमें दूसरे कलर से दिखा रहा हूं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, मैं दूसरे कलर से क्या दिखा रहा हूं बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ध्यान देना। चलो रेड कलर लेते हैं, देखो अब इसी पे जो टेस्टोस्टेरोन है ना आपका, इसी पे आएगा एंड्रोजन बाइंड कर जाएगा, क्या बोलेगा भाई आप अंदर चलिए, तो टेस्टोस्टेरोन आपका कहां पहुंच गया बेटा, कहां पहुंच गया आप, जल्दी बताओ कहां पहुंच गया। अरे बोलो ना, दिख रहा है कहां पहुंचा भाई, फिर भी नहीं बोल रहे हो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आ गया ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो कोई पूछेगा एबीपी का काम क्या है तो बता दोगे ना, एबीपी क्या करता है, जो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर सेक्रीट करता है, उस टेस्टोस्टेरोन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को ज्यादा अच्छे से करवाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है बेटा, अंदर हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन की जरूरत अंदर है कि बाहर है, अंदर है, लेकिन बना बाहर था इसीलिए अंदर लाने के लिए एक प्रोटीन होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यही प्रोटीन गया इस टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड किया, बोला कि चल भाई अंदर चल, किस प्रोसेस अंदर है, बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू, क्योंकि बाहर में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अंदर में है नहीं, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पहुंच गया, और पहुंच के क्या करेगा, स्पर्म बन रहा है उसका प्रमोशन, उसके प्रोसेस को प्रमोट करेगा और अच्छे से स्पर्म बनाने में हेल्प करेगा, कौन, टेस्टोस्टेरोन। और एबीपी को सीक्रेट कौन करता है बेटा, अभी बताया था सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, क्लियर है बेटा सबको, जल्दी बताओ। यस सर। बता दोगे सब लोग जो भी पढ़ा है अभी। यस सर। ठीक है, तो हमने खत्म किया पूरी तरह से किसको, सेमिनिफेरस ट्यूबुल को, ठीक है, ये भी देख लिया हमने,
ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ बेटा, वही वही चीज है, कुछ नहीं है। देखो ये इंटरस्टिशियल सेल्स दिखा रहा है ये वाला बाहर में, और ये आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखा रहा है। देखो इसमें सर्टोली सेल्स होगा और कुछ स्पर्मेटोगोनिया होगा। एनसीईआरटी में बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम को लिया। देखो इसमें ये अंदर अंदर में जो दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा आपका है। क्या क्या है आपका? ये जल्दी बताओ, जर्माइनल एपिथीलियम, ये वाला जर्माइनल एपिथीलियम। इसमें दो टाइप के सेल आपको दिखा रहा है, कुछ सेल्स क्या दिखा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, और कुछ सेल क्या दिखा रहा है बेटा, सर्टोली सेल्स। उसके बाहर का ये रेड रीजन जो है ना पूरा, अभी तो बताया हमने फेरस टिब्यूल के बाहर वाला रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, अपन इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल मिलेगा, जिसका डिसेल इज कॉल्ड है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, या क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। ठीक है, और ये लीडिंग सेल क्या करेगा, यहां पे हार्मोन का सिक्रीशन करेगा टेस्टोस्टेरोन का, और ये टेस्टोस्टेरोन एबीबी बाइंड कर करके इसको कहां भेजा जाएगा, इसके अंदर सेमीफेरस टिब्यूल। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ। यस सर। चलो तो हमने सेमीफेरस टिब्यूल पूरा खत्म कर लिया, सेकंड या पहली लैंग्वेज। अब आज जो पढ़ा उसका रीकैप, आज सर आपने क्या क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ाया बेटा कि पहला जो पढ़ाया कि तीन लेयर होते हैं किसके, देखो जो भी पढ़ा ना लोगों को लगता है सर कितनी बातें पढ़ ली सर, जब हम समराइज करते हैं अगर कॉन्सेप्ट बना लिया ना, तीन मिनट का टॉपिक है। देखो 126 हो रहा है, 130 तक क्लास है, चार मिनट में देखो तो मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ। प्रोटेक्टिव कवरिंग और टेस्टी से लेके, और ऐसा नहीं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सुनते जाओ। देखो तीन मिनट टाइम है मेरे पास, 127 सर। टेस्टिस के तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं, बाहर वाला ट्यूनिका मेजालिस, अंदर वाला जो बीच वाला है वो कौन सा आपका ट्यूनिका, एल्बिजिन, या अंदर वाला ट्यूनिका वैस्कुलेस। उसके बाद क्या हुआ सर, जो ट्यूनिका मेजालिस है ना उसके दो लेयर होते हैं, पैराइटल एंड विस्सेरल, पैराइटल बाहर के सर, विस्सेरल अंदर के सर। उसके बाद ट्यूनिका एल्बिजिनिया सर, ट्यूनिका एल्बिजिनिया का जो पीछे वाला पार्ट है ना सर, वह जाके एक सेप्टम बना देता है। उस सेप्टम बनाने के बाद क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल सेप्टम को, मीडिया स्टीनम। ठीक है, उसके बाद क्या देखा सर, जो ट्यूनिका एल्बिजिनिया है ना वह टेस्टिस में क्या करता है, सेप्टम भी बनाता है। उस सेप्टम को क्या बोलते हैं बेटा अपन, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और वो लोब्यूल में क्या होता है, सुनो सॉरी, सेप्टम को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम। और ये टेस्टिकुलर सेप्टम क्या बना दिया, अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट, ये सारे कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। सर हर लोब्यूल में ना एक से तीन क्या होते हैं, सेमीफेरस टिब्यूल। सर हर लोब्यूल का सेमीफेरस टिब्यूल अंत में जाके एक स्ट्रेट ट्यूब बना लेता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, टिब्यूली रेक्टाई। सर सारा ट्यूबुलरी रेक्टाई मिलके 10 से 20 क्या बना लेता है, सॉरी सारा ट्यूबुलरी रेक्टाई मिलके क्या बना लेता है, अगला स्ट्रक्चर रेक्टल टेस्टिस। क्या बनता है, किस रीजन में बनता है टेस्टिस के, मीडिया स्टीनम। किस रीजन में बनता है टेस्टिस के, मीडिया स्टीनम में। ठीक है, उसके बाद सर सारा रेक्टल टेस्टिस फ्यूज होके एक अगला स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड वैसा इफरेंसिया, है ना। और वैसा स्ट्रक्चर सर आगे जाके ओपन हो जाता है किसमें, डाल देता है। तो वैसा इंफ्रेंसिया का कुछ पार्ट अंदर है तो इंट्रा में भी आता है, और वैसा इंफ्रेंसिया का कुछ पार्ट बाहर में भी है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में भी आता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सर सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो टाइप के सेल होते हैं, मतलब सबसे पहला एक आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोक्राइडा, और अंदर वाला होता है जर्माइनल एपिथीलियम। सर जर्माइनल एपिथीलियम में दो टाइप का सेल होता है, एक को बोलते हैं अपन मेल जर्म सेल्स जो क्यूबॉइडल होता है शेप में, और एक को बोलते हैं सर्टोली सेल्स जो कॉलमनार होता है। सर किसका नंबर ज्यादा होगा, चलो क्वेश्चन एक बताओ, किसका नंबर ज्यादा होगा, मेल जर्म सेल्स का या सर्टोली सेल्स का, जल्दी बताओ। मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स का है ना सर, मेल जर्म सेल्स क्या करता है सर, मियोसिस करके स्पर्म बनाता है, और सर्टोली सेल्स उसको क्या देता है सर, न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने पढ़ा सर सर्टोली सेल्स के और भी काम है सर, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, दूसरा सर वो एंटी म्यूलेरियन फैक्टर बनाता है ताकि मेल में ओविडक्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, आगे पास में सर वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है ताकि हमारे स्पर्म सेल्स को हमारा खुद का इम्यून सिस्टम किल ना कर दे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद में क्या पढ़ा सर, सेमिफेरस टिब्यूल के बाहर में जो रीजन है ना उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में सर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं पॉलीहेड्रल, उसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। सर लीडिंग सेल्स क्या करता है ना, कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, सेमिफेरस टिब्यूल के बाहर का रीजन जो भी है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें कुछ सेल प्रेजेंट होता है, इस सेल को बोलते हैं लीडिंग सेल, या लीडिंग सेल एक हार्मोन बनाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ऐड हो जाता है, कंबाइन करता है, और बोलता है भाई तेरा जगह इसके अंदर है, किसके अंदर, जल्दी बताओ,
सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर वहां चलो और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करो। इतना ही पढ़ा कि नहीं पढ़ा जल्दी बताओ, इतना ही पढ़ा कि इससे कुछ अलग पढ़ा बता दो, कुछ भी अलग पढ़ा इससे तो, इतना ही पढ़ा कि नहीं जल्दी बताओ। Yes, sir. तो बेटा कुछ नहीं है, समझ जाओगे ना, तो बड़ा सिंपल चीज है। कुछ लोग क्या होते हैं ना बोझिल मन से बैठते हैं क्लास में, ढंग से पढ़ो ऐसे मैं बताता हूँ, उसमें तो कथा को भी याद हो जाना चाहिए, है ना, कि इतना सीक्वेंस में इतना कनेक्ट करके सारी बातें हैं, तो अच्छे से बस समझो आप और इंटरेस्ट रखो लेक्चर में, इंटरेस्ट रखोगे। ये डायग्राम से मैं सब कुछ बता सकता हूँ, जो कि पिछला चार पांच स्लाइड है ना, देखने की भी जरूरत नहीं होगी, इस डायग्राम से सब कुछ बता सकते हैं। दो टाइप के सेल, बाहर वाला रीजन स्पेस, बाहर में से लीडिंग सेल्स या बनाता है टेस्टोस्टेरोन, एबीपी वाइन के अंदर आ गया, सब एक डायग्राम से हम डिस्कस कर सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं। चलो बेटा तो कल अपन क्या देखेंगे, चलो पहले एक बार पूछ रहे तो सबसे दूसरे ब्रांच वाले जो भी है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सबको बेटा अच्छे से यस सर, बताओ एक बार जो भी है, आकांक्षा बेटा आपको? यस सर। सबको अच्छे समझ में आया? अभी अभी आप बताओ, अभी म्यूट पे है? यस सर। चलो बेटा ठीक है। बॉरी बेटा आपको? यस सर। हाँ कोई डाउट हो ना, मेरा व्हाट्सएप हमेशा ओपन है आपके लिए बेटा, कभी भी कोई डाउट है इसी चैप्टर से नहीं, बायो में कोई भी डाउट हो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आप मेरे को मैसेज करो, हो सकता है कभी कभी बेटा बहुत सारे मैसेज में लेट रिप्लाई दूं मैं, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा देखने के बाद। जिनको नोट्स नहीं मिला है उन्हीं को नहीं मिला होगा, जिन्होंने मेरे को मेरे से मांगा नहीं है नोट्स, तो नोट्स जिनको चाहिए कल बताया था तरीका आप वो कर लेना, ठीक है बेटा। और बाकी भेज दिया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो सब लोग क्या करके आना है कल, सबको क्या करके आना है जल्दी बताओ? रिविजन, सब लोग करके आना बेटा, करके आओगे ना। देखो मैं आपको एक दो बात बताता हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, सर ने 52 पेज का नोट, अरे सबसे पहले बात पावर पॉइंट में है बड़ा बड़ा लिखा हुआ, दूसरी बात कुछ नहीं होता बेटा, अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना तो 30 पेज पढ़ाऊंगा मैं, और 30 पेज के लिए मुझे आप 4 मिनट देना बेटा, 4 मिनट में 30 पेज का हर एक बात बता दूंगा, लॉजिक होता है कॉन्सेप्ट होता है, और जाके इसी रिकॉर्डिंग को बाद में देखो, सब दिमाग में बैठते जाएंगे, कभी भूलोगे नहीं चीजों को, जितना बोलो उतना काम करो। चलो बेटा ठीक है, लेक्चर पॉइंट करते हैं, बाय बाय। Okay, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye-bye.